हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द जीपीटी वीएक व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होंगे खुश होंगे, ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज है 5 सितंबर, यानी कि शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। तो आज हम लोग जाएंगे अपने कॉलेज और उस वहाँ पे जयंती को सेलिब्रेट करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी मैं फिलहाल हूँ कॉलेज के हॉस्टल में, तो हॉस्टल में ही शूटिंग कर रहा हूँ। तो मिलते हैं कॉलेज के क्लासरूम में, ठीक है? ओके गाइस, तो गाइस अभी हम लोग हैं क्लासरूम में और हमारी डेकोरेशन हो रही है। आधी हो चुकी है, बस आधी और बाकी है। और ये मेरे दोस्त लोग हैं, देखिए, ये देखिए, इनका नाम बता देते हैं। इनका नाम अंकित कुमार है, ये आदित्य पाठक, और ये शिवम कुमार। ये हम लोगों के अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। शिक्षक दिवस इंडिया में बहुत सारा दिवस मनाया जा रहा है ना,
पेरेंट्स दिवस, फादर दिवस, मदर दिवस, वैलेंटाइन डे भी होता है, तो शिक्षक के सम्मान में भी एक दिवस 5 तारीख को मनाया जा रहा है। तो आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य भाई कब से मनाया जा रहा है। आज जैसे अभी हम लोगों ने आया, हम लोग आए तो आप लोग फूल माला फूल वगैरह से आपको सर्वपल्ली राधा कृष्ण का एक किया। इसके हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण वॉज सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज बॉर्न इन कौन सा जगह है, चेन्नई में। चेन्नई पहले मद्रास का हुआ था। ऑन दिस डे 5 सितंबर 1888 व्हेन ही बिकम सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1962 लाइक यू। जैसे कोई आदमी बड़ा आदमी बन जाता है, ऐसे समझो। जैसे मान लो तुम लोग स्टूडेंट्स हो और तेरे मान लो साहित्य सर हैं, हितेश सर हैं, मान लो हितेश सर सिविल के हैं, हम लोग तो दूसरे ब्रांच के हैं, कल के दिन भारत के प्रेसिडेंट बन जाए तो स्वाभाविक है तुम लोग जाओगे कि सर हम तो पढ़ाए हैं। हो ही जाता है, साधारण आदमी को लोग बर्थडे मनाने नहीं जाता। इंडिया में सब पहले कल्चर नहीं था, बर्थडे उर्थडे कौन सा है कहाँ जानता, अब तो प्रचलन हो गया है। जब एक प्रेसिडेंट बने 1962 में सेकेंड प्रेसिडेंट इंडिया, उसके पहले एक प्रोफेसर कहाँ चेन्नई प्रेसिडेंसी वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेन्नई में मद्रास कहलाता था, वहाँ फिलोसफी थे, उनके कुछ पढ़ाए हुए छात्र गए कि आपका जन्मदिन मनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई मैं एक शिक्षक हूँ, अगर यह जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता तो मुझे बहुत खुशी होती। तो लोगों ने कहा कि तू प्रेसिडेंट थे, भारत के राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। तो उस दिन से उन्होंने आदेश निकाला गया कि भाई ये 5 सितंबर जो आदेश, क्या मतलब ये हुआ कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह 5 सितंबर जो आज का दिन है उसके सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन है। 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब तो देख रहे हैं शिक्षक दिवस जैसे आप लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया, सेरिमोनियल हो गया। सेरिमोनियल का मतलब आज है, बहुत सारा यहाँ आने से पहले मुझे याद है जब मैं उधर इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो इसी तरह के शिक्षक दिवस में लड़के लोग सेशन प्रैक्टिकल के बारे में सोचते थे। मैं सही बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने दूसरे से पूछा कि फलाना सर के प्रैक्टिकल में कुछ नंबर है क्या, मतलब स्टूडेंट सम्मान दिल से नहीं कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में कुछ पावर है तो 4 नंबर बढ़ाने का तो उनको सर को बढ़िया गिफ्ट हो सकता है, पेन के साथ डायरी भी दे दे, है ना, इसका इस रूप में हो गया। और क्या हो गया है, बहुत बड़ा व्हाट्सएप में मैं देखा, कौन सा व्हाट्सएप में देखा कि भाई गुरु वर्मा, बहुत बहुत मैसेज भेजे हमारे पुराने स्कूल में, देखा कि आज शिक्षक दिवस पे गुरु वर्मा गुरु विष्णु भारत में गुरु का स्थान ईश्वर के बराबर, बताइए इतना बड़ा पद ईश्वर के बराबर। मैं बता रहा हूँ कि गुरु, हम लोग जो टीचर लोग से टीचर का एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ नहीं है, केवल बाहर अगर आप मिल गए तो झुक के प्रणाम कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसने बहुत पैर किसी टीचर को प्रणाम कर लो, मेरा दावा है 1-2 नंबर बढ़ा देंगे, नहीं भी लिखो, बहुत अच्छा लड़का है। मतलब यह कौम आपसे केवल अपने स्टूडेंट से सम्मान खोजता है और कुछ नहीं। कोई हम लोग का छली के बड़ा बाबू तो नहीं है, कोई क्लर्क तो नहीं है। इस कौम का, इस जाति का, शिक्षक जाति का मैं कह रहा हूँ, यही आपसे उम्मीद है। और शिक्षक का सम्मान जो दिल से करना चाहिए, खाली ये पढ़ने से हम भी विचार करें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विचार एक लाइन जो याद अच्छी वाला भूल भी जाता हूँ, मतलब गुरु की लाइन ईश्वर के बराबर। मेरा एक लाइन इस अवसर पर ही कहना है, सम्मान कीजिए, दिल से कीजिए। और अभी सम्मान का कोई मतलब नहीं, पास करने के बाद अगर आप हितेश सर को कहीं जॉब के राह पर मिले और शास्त्रांग दंडवत कर रहे हैं 2 साल के बाद, तो इतना आह्लादित होंगे जो आपके कल्पना से बाहर है। 10 जगह चर्चा करेंगे, फलाना बेंच का लड़का जिसको मिला, इतना इज्जत और सम्मान के और रेलवे में नहीं है, धीरे से बोलेंगे घर पर है कि नहीं, और नहीं ये करेंगे अरे छोड़ो क्या मतलब इनसे, थोड़ा दुखी होंगे। यहाँ चर्चा करेंगे सर क्या मतलब फलाना स्कूल में मेरा था,
ये था और मुझे ताकत भी नहीं, और रिजर्वेशन वाला गाड़ी में जा रहा था उसको बर्थ मैंने पता हमको नहीं था, ध्यान देने देखा कि बिना बर्थ वाला के ऐसा हो कि मेरे से एक्सपेक्ट करने लगे और हमको भी बर्थ दे दो, ये नहीं तो खैर तो जल्दी भाषण हो सकता है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आप लोगों को पुनः सबके बदले मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने जो है पढ़ाई लिखाई में दिन पूरे रात चौबीस प्रोग्रेस कीजिए। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं अपने रूम पे और हम लोग ने सेलिब्रेट कर लिया अच्छी तरह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू गाइज, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में।